फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं योर व्यू। दोस्तों, आज मैं आप सभी को व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ स्पेशल फीचर्स बताऊंगा जो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। ये फीचर्स बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इस फीचर्स को यूज करते हैं। तो ये जो फीचर है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसमें जो पहला फीचर आता है वो है आपका स्टेटस प्राइवेसी। पहले आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करिए और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में क्लिक करें। उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अकाउंट में क्लिक करने के बाद ऊपर में ही प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है। प्राइवेसी में जाने के बाद स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। स्टेटस में आप देख रहे हैं माई कॉन्टेक्ट किया हुआ है। माई कॉन्टेक्ट का मतलब है आपके फ़ोन में जिस जिस का नंबर सेव किया रहेगा वही आपका स्टेटस देख पाएंगे। माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर आपको किससे हाइड करना है, कौन कौन किससे आप हाइड करना है उससे हाइड कर दीजिएगा और टिक का ऑप्शन दे दीजिएगा। वो लोग आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद है ओनली शेयर विथ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने पर आप जिसको जिसको सिलेक्ट कीजिएगा उन्हीं लोगों को आपका स्टेटस देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद टिक कर दीजिएगा। अगला जो WhatsApp का सबसे जरूरी सेटिंग है वो है आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आपका WhatsApp जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अगर चाहते हैं कि कोई मेरा WhatsApp हैक ना कर ले या किसी थर्ड पार्टी ऐप से आपका WhatsApp हैक ना कर ले या अपने जो WhatsApp वेब है उससे ना यूज कर पाए, तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के थ्री डॉट में क्लिक करें। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करें। उसके बाद ऊपर में ही अकाउंट्स का ऑप्शन आएगा। अकाउंट में क्लिक करने के बाद थर्ड में आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है, तो उसमें क्लिक करें। उसके बाद नीचे एनेबल का ऑप्शन आएगा, एनेबल करें। यहाँ पर आपको कोई भी सिक्स कोड देना पड़ेगा, तो मैं कोई किसी भी कोड दे दे रहा हूँ, कोई भी टू, चलो दे दिया नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ईमेल देना पड़ेगा, आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो एनेबल हो जाएगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगला जो व्हाट्सएप का जरूरी सेटिंग है वो है ऑटो डाउनलोड फाइल्स। तो आप यहाँ पर आपको क्या होता है, जो कोई भी आपको फोटो या वीडियो सेंड करेगा तो ऑटो डाउनलोड मतलब ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके मोबाइल की डेटा खत्म हो जाती है, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके मोबाइल की डेटा कहाँ गई, कैसे खत्म हुई। तो इसी को रोकने के लिए ये ऑटो डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है। तो इसको कैसे एनेबल करें, ऑटो डाउनलोड फाइल को डिसेबल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के थ्री डॉट में क्लिक करें। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन में क्लिक करें। उसके बाद डेटा एंड स्टोरेज यूसेज यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो यहां पर दो तरह का दिया हुआ है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। मोबाइल डाटा से करने के लिए आपका यहां पर सब में चेक रहेगा, तो सब में चेक रहेगा तो आपका यहाँ पर अनचेक करना है और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। और व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई में भी सब चेक रहेगा, उसको सब अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। अगला और सबसे जरूरी फीचर है वो है आपका रीड रिसिप्ट फीचर। अगर इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई यूजर आपको मैसेज करे तो अगर आप वो मैसेज देख लेते हैं तो उस यूजर के पास दो ब्लूटिक चला जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि आपने उसकी मैसेज पढ़ लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका मैसेज भी पढ़ लूं और उसके पास ब्लूटिक भी ना जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, रीड रिसिप्ट फीचर को आपको एनेबल करना होगा। रीड रिसिप्ट फीचर को डिसेबल करने के लिए पहले अपने व्हाट्सएप के थ्री डॉट में क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग्स में क्लिक करें। उसके बाद ऊपर में ही अकाउंट्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, उसमें क्लिक करने के बाद प्राइवेसी में जाए। प्राइवेसी में जाने के बाद आप देख सकते हैं स्टेटस के नीचे रीड रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसको डिसेबल करने के बाद आप कोई और अगर मैसेज किया तो आप उसका मैसेज को रीड भी कर लेंगे और उसके पास दो ब्लूटिक भी नहीं जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।